वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर द्वारा वडोदरा के विविध विस्तारों में फैली और जटिल बन चुकी वैसी समस्या के निराकरण और हल के लिए बीड़ा उठाया गया है। जहां आज से शहर के हर एक वार्ड वहीवटी वार्ड में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करने के साथ स्थानीय काउंसलर और अधिकारियों के बीच बैठक करते हुए समस्या हल के लिए आदेश सूचन दिए गए थे। वडोदरा महानगर पालिका के मेयर द्वारा वडोदरा की समस्या सुलझाने के लिए अनोखा बीड़ा उठाया गया है। वडोदरा को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन अब वडोदरा कॉर्पोरेशन की लापरवाह कामगिरी की बदौलत स्मार्ट सिटी नहीं लेकिन समस्या सिटी बन चुका है। वडोदरा के विविध विस्तारों में आज भी उबड़ खाबड़ रोड, जगह जगह पानी लीकेज और लोगों को दूषित पानी, पानी नहीं मिलने की समस्या यथावत बनी है। तो वहीं जटिल बन चुकी ये समस्या को सुलझाने के लिए वडोदरा कॉर्पोरेशन के मेयर के रोकड़िया द्वारा आज से बीड़ा उठाते हुए शहर के हरेक वहीवटी वार्ड में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं अब ये देखना है कि मेयर द्वारा उठाई गई ये मुहिम आने वाले दिनों में कितनी सफलता प्राप्त करती है और लोगों को सही मायनों में समस्या का हल मिलता है या नहीं, वो भी एक विषय बना है। जहां आज मेयर केयू रोकड़िया द्वारा शहर के वहीवटी वार्ड नंबर की वैसी अलग अलग कचेरी में बैठक का आयोजन किया गया। सुबह वार्ड नंबर 2, बाद इलेक्शन वार्ड नंबर 4 और बाद वार्ड नंबर 10 की कचेरी और इलेक्शन वार्ड नंबर 8 की कचेरी में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। ये तमाम वार्ड वहीवटी की कचेरी में अधिकारी के साथ स्थानीय कॉर्पोरेटर के साथ बैठक का आयोजन करते हुए विविध विस्तारों में फैली वैसी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ आने वाले दिनों में तमाम समस्या हल करने के लिए अधिकारियों को भी सूचन दिए गए थे। जहां अब ये देखना है कि मेयर द्वारा दी गई ये सूचन और मार्गदर्शन का आने वाले दिनों में क्या परिणाम मिलता है। मेयर दरेक वार्ड में मीटिंग जाए अने मीटिंग में जाए दरेक वार्डनी समस्याओं अमारा कॉर्पोरेटरशीओ संगठन अने आम जनता माथी पे जे कोई नाना मोटा प्रश्नों कॉर्पोरेटर सुधी पहुँचता होय छे त्यारे एनु संकलन थाय ए हेतु थी आजे अधिकारीशीओ अने कॉर्पोरेटरशीओनु इलेक्शन वार्ड नंबर 4 नी जे आजनी मीटिंग हती एमां अधिकारीशीओ अने कॉर्पोरेटर तरफथी जे जे सूचनों मळ्या समन्वयथी कई रीते काम करवू ए दिशानी अंदर आजे आ एक खुली चर्चा आ फोरम में करवामां आवी छे। जे पण कोई नाना मोटा प्रगतिना कामों छे अथवा तो अलग अलग ग्रांट एमपी एमएलए कॉर्पोरेटरनो कोटवा अथवा तो पछी स्वर्णिमी ग्रांट होय क्या व्यवसाय वेरानी ग्रांट होय मनोरंजननी ग्रांट होय आ तमाम ग्रांटोमांथी पण कई रीतना कामों मूकवा आगळ वधारवा जे रनिंग काम छे एना विषयनी चर्चा करवामां आवी। सेनेटरी विभाग द्वारा पण कई रीते कामगिरी स्वच्छतानी थई रही छे एनी पण एक समीक्षा करवामां आवी छे। वरसादी कांस अने गटर व्यवस्था एनी अंदर क्या प्रॉब्लम छे, क्या आपणे सारू काम कर्युं छे, आ तमाम विषय लईने आजे आ चर्चा करवामां आवी छे। अलग अलग डिपार्टमेंट पण स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट होय, हेल्थ डिपार्टमेंट होय, एंजीनियरिंग होय, वहीवटी रेवन्यूनी वात होय, आ तमाम विषयो लईने आ वोर्ड नंबर 4 नी अंदर शुं परिस्थिति छे ए दिशानी अंदर आ समीक्षा करवामां आवी छे। આજથી લઈને આગામી 20 દિવસની અંદર સપોર્ટની અંદર આ પ્રકારની બેઠકો કરવામાં આવશે। જ્યાં પણ નાના મોટા દૂષિત પાણીના પ્રશ્નો આ વોર્ડમાં પણ એકાદ બે જગ્યા પર આવ્યા છે ત્યાં તપાસ કરતા અને અધિકારી જોડે ચર્ચા કરતા માલુમ પણ પડ્યું છે કે એ જગ્યા પર લીગલ કનેક્શન પણ હજુ થયા નથી। તો એ દિશાની અંદર પણ જે તે વ્યક્તિઓને લીગલ કનેક્શન કરાવી લેવા માટે નોટિસો પણ આપવાની વાત થઈ છે અને જ્યાં પણ રસ્તા પહોળા કરવા કે એના માટેના રસ્તા મુકાયા છે અને દબાણ પણ હોય તો એ દબાણ પણ તાત્કાલિક ધોરણે જે કમ્પાઉન્ડ વોલને એવા દબાણો છે જે ચોમાસા દરમિયાન દૂર કરી શકાય એમ છે તો એ તાત્કાલિકપણે દૂર કરીને આ રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવી જોઈએ એવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। જે કોર્પોરેટર હાજર નથી એ પરમિશન લઈને પોતાને રાજસ્થાન 10 દિવસ માટે જવાનું હોવાથી એ બહાર ગયા હતા અને બીજા એક કોર્પોરેટર લેટ